स्टार्ट करें। हाँ जी, माला नीला एंड काला, माला नीला और कला, कला पढ़ेंगे ना, काला। वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:2:1 एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज 31 मार्च 2019। और बैलेंस शीट जो है आपको गिवन है, उसमें एसेट साइड में बिल्डिंग प्लांट गुडविल शेयर्स स्टॉक डेटर बैंक और पेटेंट्स है। आपको याद है कि एसेट साइड में कौन सी चीज़ों को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं? वो तीन चीज़ें थी, एक कैश एंड बैंक, पार्टनर्स कैपिटल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। और इसमें अगर आप बताएंगे मुझे, बताइए बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करेंगे, प्लांट को, गुडविल, शेयर्स, ये शेयर्स इन्वेस्टमेंट होता है बेटा, मतलब इतने चैप्टर्स पढ़े कहीं पे भी शेयर्स वर्ड नहीं था, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कई बार देखा होगा। उसके बाद स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटर्स, बैंक, पेटेंट्स, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें, मतलब बैंक को अगर छोड़ दिया जाए तो सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लाइबिलिटीज़ में आइए बेटा, कैपिटल है, कैपिटल ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या, क्रेडिटर्स, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, सिर्फ रिजर्व होता ट्रांसफ़र नहीं करते, लेकिन रिजर्व किसी भी एसेट्स के लिए बनाया जाए, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डेटर्स के लिए प्रोविजन रिजर्व या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और प्लांट एंड मशीनरी के लिए रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन। तो जो रिजर्व किसी एसेट्स के लिए बनाया जा रहा है उसे हम लोग ट्रांसफ़र ज़रूर करते हैं। समझ वाली बात, इसको ट्रांसफ़र कर लें, रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ फटाफट, और उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद के नीचे के ट्रांजेक्शन को बाद में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए सर, एसेट्स को ट्रांसफ़र करें। बताइए बेटा, सबसे पहला एसेट्स क्या है? देखिए मैं जनरली तो सारे एसेट्स के नाम लिखता हूँ, लिखता हूँ ना, आज ना सारे एसेट्स के नाम नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, पहले सन्ड्री एसेट्स लिख रहा हूँ। बेहतर क्या होता है, टू जो एसेट्स का नाम होता है उसके हिसाब से करना, ठीक है। लेकिन कई बार आपको सोल्यूशन ऐसा भी कहीं दिखता है तो आप कभी घबरा ना जाएं कि भाई पता नहीं क्या है ये। तो एसेट्स के नाम बताइए, फर्स्ट क्या था बेटा, बिल्डिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू है बेटा 20,000, मैं इसका टोटल यहाँ पे करना चाहता हूँ। बिल्डिंग के बाद क्या है बेटा, प्लांट, प्लांट की वैल्यू है 31,220। उसके बाद बच्चे गुडविल है, गुडविल की वैल्यू है 10,000। फिर है बेटा 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, वो है बच्चे 2,400। और यहाँ पे है 1,000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड, और वो वैल्यू है बच्चे 10,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है बेटा 11,000। यस सर, नहीं सर, जैसा है अकाउंट में वैसे ही लिखेंगे, तभी तो ऐसे डेबिट होता है, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो जो नेम गिवन होता है उसके साथ ही लिखें आप, इन्वेस्टमेंट मत लिखिए शेयर्स की जगह, पूरा शेयर्स ही लिखिए। 11,240, डेटर्स 8,740, डेटर्स के बाद बेटा पेटेंट्स, पेटेंट्स की वैल्यू 38,080। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, टोटल आपको पता है मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैं आपको बताता हूँ, इसके टोटल के चक्कर में मैंने ऐसे लिखा। और टोटल करने का तरीका ये है कि इस बार देखो ना, आपने इधर से सब कुछ लिख दिया है, क्या चीज़ छोड़ा है आपने, इधर देखो मैम, इधर देखो आप ही के लिए, आपने क्या छोड़ा है इसमें से, तो बेटा इस टोटल में सिर्फ बैंक हटा दो उसका टोटल आ जाएगा, नहीं आएगा भाई, यहाँ पे तो टोटल कर रखा है ना, उसमें क्या एक्स्ट्रा है, बैंक को आप हटा दीजिए, यानी इस टोटल में से सिर्फ बैंक को माइनस कर दीजिए वैल्यू आ जाएगी, या तो आप एक एक करके सब टोटल कीजिए, या सिर्फ एक में से माइनस कर लीजिए, नहीं समझ में आया, नहीं आया तो फिर टोटल कर लेना, है ना, नहीं आया तो आ गया।
चलो तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी थी बेटा बताओ तो, 1,31,680। अच्छा आपने माइनस करके निकाल लिया, ओके ये था वैसे 1,32,890 और उसमें से आपने 1,210 रुपये हटा दिए होंगे तो ये 1,31,631,680। अगर मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आ रहा सर प्लीज़ आप इसे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी अब आते हैं हम लोग लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सन्ड्री लायबिलिटीज़ हम लोग लिखेंगे ही तब, ध्यान रखना, जब एक से ज़्यादा लायबिलिटीज हो, वरना नहीं लिखना सन्ड्री। तो हमारे पास एक तो क्रेडिटर्स है क्या बताओ ना, क्रेडिटर्स कितने का है? 11,210। उसके बाद बेटा रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ओके ऑन प्लांट, और ये वैल्यू कितनी की है बेटा 20,000। ठीक है आप इसे भी अंदर लिख सकते थे, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है आप इन दोनों को अंदर लिख के टोटल कर सकते थे, आप बाहर भी रख सकते हैं, इससे भी कोई मसला नहीं आएगा। तो ये हमने एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर ली, मुझे लगता है कि सब लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया शायद, है ना। तो चलो इस स्टार्ट करते हैं नीचे के ट्रांजैक्शंस को रीड करना। आइए जी ध्यान दीजिएगा, इट वाज एग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप एज ऑन 31 मार्च 2019। क्या 31 मार्च 2019 में इन्होंने पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहा है। द टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन वर माला टू टेक ओवर द बिल्डिंग्स, माला जो पार्टनर है वो बिल्डिंग ले रही हैं एट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ ₹31,500। बेटा आपको इतना मालूम है जब कोई पार्टनर कोई एसेट्स ले जाता है तो किस साइड लिखते हैं हम लोग, किस साइड? क्रेडिट साइड। किस क्या लिखेंगे, बाला ही माला, माला तो लिखेंगे जी मालाज कैपिटल। अच्छा जी मालाज कैपिटल अकाउंट जब हम लिखेंगे तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, बिल्डिंग। अभी ध्यान देना बेटा, अभी आप नोट नहीं करना, बिल्डिंग की वैल्यू बताओ कितनी है, 31,500। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 31,500। आप चलिए मैं अलग ही लिख देता हूँ 31,500। मैं एक्चुअल में ये चाह रहा था कि यहाँ पे लिखता हूँ और कुछ एसेट्स कोई पार्टनर ले जाएगा तो वो भी इसी में ऐड कर दूँगा और ये ले जाएंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैंने अलग लिखा। उसके बाद आते हैं सर नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, नीला हु वॉज टू कैरी ऑन द बिजनेस टू टेक ओवर द गुडविल। नीला का कहना है कि बिजनेस हम चला लेंगे, आप गुडविल हमें दे दो, स्टॉक दे दो, डेटर्स दे दो, पेटेंट्स भी दे दो, प्लांट भी दे दो, समझ में आई बात, पूरा खानदान इसी को चाहिए, दे दो भाई सर हिसाब तो मिलेगा ही हमें। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे ये बताओ, तो यहाँ पे लिख लेना नीलास कैपिटल अकाउंट। क्या कौन कौन से एसेट्स ले जा रहे हैं, गुडविल, उसके बाद है बेटा स्टॉक, उसके बाद बताओ और बताओ और बताइए, ठीक है जी। चलिए जी गुडविल की कोई वैल्यू बताई उन्होंने, उन्होंने बोला कि भाई इसको बुक वैल्यू पे लेना है, गुडविल का बुक वैल्यू कितना था बेटा, तो ये 10,000 ही लिखेंगे हम। स्टॉक को भी बुक वैल्यू पे लेना है 11,240। डेटर्स को भी बुक वैल्यू बोला है उन्होंने 8,740। पेटेंट्स के बारे में उन्होंने वैल्यू बताई है कितने की, 30,000। और बच्चे प्लांट के लिए बोला उन्होंने 5,000। समझ में आई बात, चलिए यहाँ भी कर लेते हैं, इसको भी टोटल कर सकते हैं। वैसे अभी ना एक लास्ट लाइन है जिसमें ये लोग जो है ना शेयर्स भी ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे शेयर्स भी लिखना था, लेकिन हम इसको बाद में भी लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है। चलिए इसको टोटल कर लेते हैं पहले तो, और साथ में ना ये उसी लाइन में आप पढ़ के देखो ना, इसने लायबिलिटी भी ली है,
पढ़ के देखो बेटा, है ना? तो बेटा ये नीलाज जो है वो डेबिट साइड भी तो आएगा कि नहीं आएगा? किस नाम से लिखेंगे बेटा? ये क्रेडिटर लेके जा रही हैं, कोई वैल्यू बताइए क्रेडिटर की? नहीं, तो इसका मतलब क्रेडिटर की जो वैल्यू थी उतनी ही है, 11,210 पे इसने क्रेडिटर को भी टेकन ओवर किया। समझ में आई बात? चलो इसे नोट करो और बैलेंस वैलेंस करके इसका टोटल करके बताओ, बैलेंस नहीं सॉरी, इसको टोटल कर लेना। प्लांट कितना होगा? 5,000, इसे हटा देते। थैंक यू बेटा। इसका टोटल कितना बताया बेटा? 64,980। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, आप कर लिए हो तो मुझे बताना। कर चुके? चलो जी आ जाओ, लाइन पढ़ लेते हैं ज़रा। सी पे आते हैं, ये ए हमने कर लिया बेटा और बी भी कर लिया। सी पे आइए, काला टू टेक ओवर शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। काला जो है वो क्या कर रही हैं कि वो एक्स लिमिटेड जो है, एक्स लिमिटेड के जो शेयर्स थे, अभी हमारे पास दो कंपनी थी, एक कंपनी एक्स लिमिटेड थी, दूसरी वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड वाले जो शेयर्स थे उसका रेट कितना लगाया इन्होंने? 15 रुपये का एक शेयर करके काला ने टेक ऑन ओवर कर लिया है। तो यार ये बताओ, ये जो इन्वेस्टमेंट कोई पार्टनर ले जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ही तो है, ये शेयर्स कोई पार्टनर ले रहा है, उसे कहाँ लिखूँ मैं? क्रेडिट साइड। किस नाम से लिखूँ? तो यहाँ लिखते हैं जी कालास कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कालास कैपिटल अकाउंट में वैल्यू क्या लिखूं? उन्होंने शेयर्स लिए 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, और बेटा 100 शेयर्स कितने रुपए के थे? 15। तो बेटा 100 × 15 बोले तो 1500। तो ये आ गया बेटा 1500, सही है? चलिए जी और आगे आते हैं, लास्ट द शेयर्स इन वाई लिमिटेड। द शेयर्स इन वाई लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से समझना कि वाई लिमिटेड के जो शेयर्स हैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में? क्या है बेटा उसका? 7:2:1। इस रेशियो में आपके वाई लिमिटेड के शेयर्स ले आएंगे। ये कौन ले रहा है बेटा? तीनों ले रहे हैं ये, एक नहीं तीनों ले रहे हैं ये। समझ में आई बात? तो ऐसा करता हूं मैं यहां पे लिख लेता हूं, ध्यान से समझना। तीनों को मिल रहा है शेयर्स। तो बेटा ये बिल्डिंग के साथ साथ मैं ऐसा करता हूं, ये वाला शेयर्स, शेयर्स इन वाई लिमिटेड, आइए जी शेयर्स इन वाई लिमिटेड, शेयर्स इन वाई लिमिटेड। इसने भी तो लिया, इसको नीला को मैंने ऐड कर दिया ना पहले ही बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लो शेयर्स इन वाई लिमिटेड कितना था, अभी बात करते हैं। शेयर्स इन वाई लिमिटेड बेटा टोटल शेयर कितने का था बताओ तो मेरे को, बोलो। 10,000 को आपको रेशियो बांटना है 7:2:1 में, तो बेटा एक का आएगा 7,000 और एक का 2,000 आएगा और एक का बेटा 1,000 आएगा। बात समझ में आई? कर लेंगे ना, ये मुझे बताना पड़ेगा इसे। अरे रेशियो बांट लोगे? और कुछ बच गया? अभी बस बैलेंस करना है। चलिए निकालिए, बैलेंस करके निकालिए तो फटाफट बेटा, चेक कीजिए प्रॉफिट आया या लॉस आया। वाई का शेयर हमने रेशियो में बांटा है, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। वाई का शेयर, वाई लिमिटेड का जो शेयर्स था उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। जी सर कितना आया डेबिट साइड का टोटल? 1,42,890। तो बेटा 1,42,890, तो डिफरेंस तो क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे बाई
लॉस ट्रांसफर टू, बाय लॉस ट्रांसफर टू में तीनों पार्टनर्स के नाम लिखने, ध्यान रखेंगे बेटा। क्या नाम था पार्टनर का बताइएगा जरा। मालास कैपिटल, मालास कैपिटल, नीलास कैपिटल और कालास कैपिटल, और ये जो डिफरेंस है 3700 का मेरे पास आ रहा है, आप अपना बताइए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 3700 को रेशियो में बांट देंगे तो एक तो 370 है, एक है बेटा 740, और एक है 25। ट्वेंटी फाइव नाइन्टी। कोई सवाल है कहीं पे बेटा? इसमें जो मेन चीज़ थी ना, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन करवाया था, वो शेयर्स वाली बात थी कि शेयर्स को किस तरीके से आपने बांटा है। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? उसने एक शेयर्स का रेट 15 रुपीज़ करा था, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करा था, 100 शेयर्स × 15 करके। चलो इसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। फॉर्मेट बनाइए कैपिटल अकाउंट का बेटा। बेटा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने, तो ध्यान दीजिएगा। बैलेंस शीट पे वापस जाएंगे। बैलेंस शीट में हमने एसेट साइड में सिर्फ एक बैंक रहने दिया था, और लायबिलिटी साइड में हमारे पास अभी क्या रह रहा है? कैपिटल, बस एक ही रह रहा है ना। तो ये कैपिटल अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। तो इधर बाई क्या लिखेंगे आप लोग? बाई बैलेंस बीडी। बताइए बेटा कितना कितना? 12,410, 8650 और 80620 ना। कोई चीज़ बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो नहीं है ना, ही किसी चीज़ को हमें रिटर्न ऑफ करना है। ठीक है जी, अब आएंगे सीधा रिलेशन अकाउंट में ढूंढेंगे। दिखाना बेटा कॉपी अपने। तो हम ये बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आएंगे। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे पार्टनर्स का नाम ढूंढेंगे बेटा डेबिट साइड से। तो डेबिट साइड में ये सेंट्री एसेट्स है, ये नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए बेटा? पार्टनर्स का नाम, जिसका नाम क्या है? नीलास कैपिटल। ये डेबिट साइड है, इसे कहाँ लेके जाएंगे? इसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। आइए सर, इसे क्रेडिट साइड में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। बाई क्या लिखेंगे? बाय रिलेशन अकाउंट नीला की में वैल्यू लिखेंगे बेटा, और वैल्यू है 11,210। अब इसी तरीके से रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएंगे सर। क्रेडिट साइड में देखिए कई जगह नाम है पार्टनर का, ध्यान देना बेटा। ये माला का वैल्यू है, तो माला के में ये दो वैल्यू आ रही है बेटा। फिर वहीं पे नीला में आइए, तो नीला में भी ये दो वैल्यूज हैं, आप प्लस कर लीजिए ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद काला में ये कितनी वैल्यू है बेटा? यहाँ पे भी दो वैल्यू है। और ये उसके बाद पार्टनर्स के तीनों नाम हैं लॉसेस में। तो पहले एक एक करके करते हैं, माला वाली वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। 31,500 + 7,000 कितना है बेटा? 38,500। तो ये 38,500 को हम लोग डेबिट में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे बेटा? वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। कौन से अकाउंट में लिखूं मैं? माला में। 38,500। अब नीला में भी एक यहीं पे लिख दूं क्या? चलेगा, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो यहीं पे लिख दूं, वरना तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो रिलेशन अकाउंट करके। तो नीला का टोटल आप कर लीजिए बेटा 64,980 + 2,000 बेटा ये वाली वैल्यू, ये नीला का ये जो वैल्यू है ना 64,980 + 2,000 इस वैल्यू को क्रेडिट साइड से कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? डेबिट साइड। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, क्योंकि रिलेशन अकाउंट लिखना था तो यहीं लिख रहा हूँ। कितना बताया आपने बेटा? 66,980।
उसके बाद आएंगे बेटा हम लोग काला पे। काला की टोटल वैल्यू कितनी है सर? इन दोनों को ऐड करेंगे 2500। कहाँ लिखेंगे इसे भी? डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा इसको भी 2500। उसके बाद एक बार और है, नीचे आएंगे तो रिलेशन लॉस है ना। तो ये रिलेशन अकाउंट और उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 2590 740 और 370। बस समझ में आई बात? चलिए इसका भी बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा किस नाम से लिखेंगे आप? बैंक के नाम से लिखेंगे। तो क्या आपके बैलेंस शीट में बैंक है या कैश है? बैंक है, तो बैंक के नाम से लिखेंगे। डिफरेंस निकाल के लिख लीजिए इसको। ये वैल्यू आ रही बेटा 41090। आप अपना बताना मेरे को क्या आ रहा है। 2410 आप अपने हिसाब से करना बेटा। 28680 बैंक अकाउंट 669 80 प्लस 740 तो ये 67720 650 माइनस 11210 47860 2500 प्लस 370 इसका टोटल है बेटा 80620 80620 और ये बैलेंस डेबिट्स आ रहा है 777750 80620 का। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे बैंक। आप चेक कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा यही आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये हमने बैलेंस निकाला है, ये बैलेंस वैल्यू है बेटा, ये भी बैलेंस वैल्यू है। तो प्लीज़ इत्मीनान से करना, देख के मुझे बताओ पहले, और ये हो जाए तो उसके बाद बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। बैंक अकाउंट बनाएंगे इसके बाद। जी कर लिया। चलिए बेटा बैंक अकाउंट पे आते हैं। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बैलेंस ब्रॉड डाउन बता दीजिए 1210। अब इसके बाद बैंक अकाउंट को कैसे फिल करना है? रिलेशन अकाउंट में जाना है, उसके डेबिट साइड जाके चेक करना है। बेटा बुक देना, कॉपी देना अपनी। हाँ जी, ये हम लोग रिलेशन अकाउंट में आ गए। रिलेशन अकाउंट में कहीं पे बैंक का नाम था? एक ही लायबिलिटी थी, वो भी पार्टनर ने पे कर दी थी। ये रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन हमने पे नहीं किया था,
बेटा कोई भी एसेट्स के ऊपर बनाई गई लाइबिलिटी की हम पेमेंट नहीं करते। जैसे मैंने आपको सिखाया कि हर एक लाइबिलिटी की पेमेंट करते, हर एक लाइबिलिटी की, क्वेश्चन कहे या ना कहे, लेकिन एसेट्स के ऊपर बनाई गई लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं होती। जैसे ये किसके लिए बनाया गया था? प्लांट के लिए। और डेटर के लिए कौन सा लाइबिलिटी बनाया जाता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ट्रांसफर तो कर देते हैं लेकिन उनकी पेमेंट नहीं होती। ओके, तो क्रेडिटर की पेमेंट हुई थी लेकिन पार्टनर ने कर दिया था तो बैंक आया नहीं। क्या इधर बैंक है? यहाँ भी बैंक नहीं है, यानी रिलेशन अकाउंट में कहीं पे भी बैंक नहीं है। अब सीधा कैपिटल अकाउंट पे चलेंगे। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड एक बैंक है, डेबिट साइड में उसे क्रेडिट साइड जाएंगे सर, और काला है तो यहाँ पे लिखेंगे कालास कैपिटल अकाउंट, और ये वैल्यू बेटा यहाँ आ जाएगी 777750। और ये दो माला और नीला का जो है वो डेबिट साइड में है तो यहाँ लिखेंगे मालास कैपिटल अकाउंट। बेटा ये क्रेडिट साइड था तो डेबिट में आ गया 28680, और ये वाली वैल्यू भी नीलास कैपिटल अकाउंट 47860। और तो कहीं पे कुछ नहीं है बेटा, तो पूरी कोशिश करें कि इक्वल आए आपका 28680 प्लस 47860 777750। इस साइड भी आ गया जी 777750। दोनों साइड इक्वल है ना? चलो, तो काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने इसके कर लिए। 90% जर्नल एंट्रीज आती हैं, 10% के चांसेस होते हैं अकाउंट आने के। इस बार क्वेश्चन आपका जो हाफ ईयरली में हुआ था उसमें अकाउंट आया, लेकिन एक 10% क्या 1% भी और एग्जाम में आ जाए, आप ही के एग्जाम में आ जाए अकाउंट, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमने अकाउंट तो सीख लिया, अब जर्नल एंट्री की बारी आएगी, जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। और जर्नल एंट्री इससे ज़्यादा आसान होता है, हाँ इससे ज़्यादा जर्नल एंट्री करना आसान होता है।